ये है यामा सेलोटो का हेड है दोस्तों। इसमें हम लोग हेड फिटिंग करेंगे। पहले दोनों वाल्व फंसा दिए हैं, नया ऑयल सील और उसका वॉशर डालेंगे। स्प्रिंग डालेंगे, उसके बाद लॉक का कैप डालेंगे, दोनों लॉक डालेंगे, वाल का लॉक। अभी वाल कलर लगाते हैं, वाल कलर से टाइट करेंगे। जब वॉल लग गया तो फिर रिटर्न खोल देंगे दोस्तों। देखिए लग गया है, उसके ऊपर एक ठो लॉक रहेगा, ये गोल वाला, ये जरूर डालना है। अभी बड़ा वाल डालेंगे दोस्तों। पहले वाला जिस जैसे लगाया वाल वैसे ही लगेगा दोस्तों। इसमें भी एक गोल वाला लॉक रहेगा दोस्तों। अगर गोल वाला लॉक नहीं लगाएंगे तो टाइपिट एडजस्ट नहीं होगा, रोपर का एडजस्ट नहीं होगा दोस्तों। लॉक सही से बैठा है कि नहीं वो चेक करेंगे दोस्तों। 8 नंबर वाला टी में थोड़ा ठोकेंगे उसको, बैठ गया तो नहीं निकलेगा उसमें। दोनों तरफ अच्छे से बैठ गया है। अब क्या हम सब लगाएंगे, अब कैम सब बैठ गया है। अभी रोकर डालेंगे, रोकर का जो लॉक है उसमें 8 नंबर वाला होल रहेगा दोस्तों, जो ऊपर 5 नंबर वाला एलिंक लगेगा वो बीचों बीच रहना चाहिए। दूसरा भी सेम लगेगा दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ बोल्ट लगेगा, उसका प्लेट है, ये प्लेट कैमशाफ्ट को लॉक करेगा दोस्तों। ये देखिए, ये एलिंक की बोल्ट टाइट करेगा, 4 नंबर वाला रोकर का बोल्ट को, रोकर जहाँ लॉक हुआ है। यामा सेलोटो का हेड है दोस्तों। ये रॉड कैमशाफ्ट पेड लगने के बाद लगेगा दोस्तों। इसी तरह बाइक के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।